हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर वीडियो में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज हैं हम अजमेर और अजमेर में खड़े हम सोने जी के नसिया में। तो देखिए, सोने जी के नसिया क्या है, एक्चुअली एक जैन मंदिर है और यहाँ जो अयोध्या नगरी है और जो सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है हमारे पुराणों में, उन दोनों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। दिखाएं हम आपको बैक कैमरे से या अपने गोप्रो से दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे हैं। हालांकि बहुत ही खूबसूरत है, ऐसे लगता है जैसे सोने के बने हुए हैं। ये हो सकता है सोने के हैं क्योंकि सोने जी की नसीहत है, सोने परिवार ने इसको बनाया है। तो गोप्रो क्या कैप्चर कर पाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ एक आईना लगा हुआ है, शीशा सा लगा हुआ है, चारों तरफ कांच बना हुआ है, तो शायद सही ढंग से हम कैप्चर नहीं कर पाएँ, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा लेकर के आएँ। तो चलो देखें, बने रहे हमारे साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इसी तरह की राजस्थान और भारत की संस्कृति से रूबरू होने का मौका हमारे चैनल पर आपको रोज़ मिलता रहेगा। इसी तरह से सोने जी के नसिया का जो प्रवेश द्वार है, यह लाल पत्थरों से बना हुआ है। यह मुख्य दरवाज़ा है, यहाँ से प्रवेश होता है। लेकिन जो सामने मंदिर दिख रहा है, ये जैन मंदिर है और यहाँ सिर्फ जैन धर्म के लोगों को ही प्रवेश दिया जाता है। बाकी जो लोग हैं उनको ये पीछे के रास्ते से प्रवेश दिया जाता है। ये बैक साइड है जहाँ सोने जी के नसिया है, यहाँ बैरिकेटर लगाए गए हैं जो सिर्फ जैन धर्म के लोगों को अलाउ करते हैं, बाकी लोग सीधे इस हवेली की तरफ चढ़ते हैं। सीढ़ियाँ हैं, 10 रुपये की टिकट है, सीढ़ियाँ हैं, कोई जाने नहीं, क्या है नहीं पता, देखते हैं क्या है आगे। सोने जी की यह नसिया अजमेर शहर में पृथ्वीराज मार्ग पर स्थित एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है और राजस्थान में सबसे अच्छे जैन मंदिरों में से एक गिना जाता है। और इस नसिया का दूसरा नाम सिद्धकूट चैतालय भी है। इसे लाल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि करौली के लाल पत्थरों से इसे बनाया गया है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर को समर्पित है। सोने जी की नसिया मंदिर का मुख्य आकर्षण, मुख्य कक्ष है, जिसे स्वर्ण नगरी या सोने की नगरी के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पर है ये बनी हुई नसिया और चढ़ते चढ़ते सांस हाँफ चुका है। सामने एक गैलरी है और गैलरी में दिखा है अचानक से हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वाओ, कितना खूबसूरत है ये दृश्य। सामने एक पर्वत की सी आकृति बनी हुई है जिसे शायद सुमेरु पर्वत कहा जाता है और ये हमें गैलरी बनी है। इस गैलरी में इस तरह की ये शिलालेख लिखे हुए हैं जिनसे इनकी जानकारी पढ़ी जा सकती है पूरी। और दूसरी खिड़की से हमें ये दिखाई दे रहा है अयोध्या नगरी। ये तो सामने सुमेरु पर्वत का ही दृश्य है और काफ़ी सुंदर है, सोने की परत इस पे चढ़ी हुई है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है हमारी आँखों के सामने। हालांकि जो कैमरा है वो कितना कैप्चर कर पा रहा है पता नहीं, क्योंकि सामने कांच लगे हुए हैं, सीधे प्रत्यक्ष आंखों से हम इसको नहीं देख पा रहे हैं। गैलरी में ये है स्वर्ण नगरी अयोध्या, कितनी खूबसूरत नगरी है, बहुत ही सुंदर। जैसे एक नगर के बाहर सैनिक खड़े हों वैसे यहाँ सैनिक तैनात किए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत बहुमंजिली इमारत ये बनी हुई है। अयोध्या नगरी का पूरा मॉडल यहाँ पर इसको बनाया गया है और इसके चारों तरफ ऐसी खिड़कियां हैं जिनमें से हम इसको घूम घूम कर देख रहे हैं। बहुत सुंदर पीछे का दृश्य, बहुत ही सुंदर, पता नहीं कितना कैप्चर हम कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस नगरी के बारे में कहा जाता है, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। सोने लकड़ी की बनी हुई है और इन पर ये सोने की परत चढ़ी हुई है। कहा है कि करीब 1008 किलो सोना इस मंदिर में लगा है, इन मूर्तियों को, इन कलाकृतियों को सजाने में लगा है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है हमें यहाँ से। मुझे डाउट है कि गोप्रो कितना अच्छा कैप्चर कर पाएगा या नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ साथ साथ में थोड़ी क्लिपिंग मैं अपने मोबाइल से भी कर लूँ। तो काफ़ी कुछ जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो गोप्रो के हैं और कुछ ये जो मैं कैप्चर कर रही हूँ वो अपने मोबाइल सैमसंग से भी कर रही हूँ। दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। आप बताएं क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेहतर होगी। ये ज़्यादा गोल्डन दिखा वो गोप्रो था और ये जो कम गोल्डन दिख रहा है वो मेरा ओरिजिनल सैमसंग फ़ोन है।
लेकिन देखा जाए तो दोनों की क्वालिटी अच्छी है। अच्छी क्वालिटी इसलिए है क्योंकि जो सामने का दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत है, कलाकृतियां हैं वो बहुत सुंदर है। सोनी जी की नसिया की नींव 10 अक्टूबर 1964 को राय बहादुर सेठ मूलचंद और नेमी चंद सोनी द्वारा रखी गई थी और 26 मई 1965 को यह बनकर तैयार हुआ था। लेकिन हमें जो सामने स्वर्ण मंदिर दिखाई दे रहा है, ये इस नसिया में इसे बनते बनते करीब 25 साल लग गए थे और ये जयपुर से बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर तक आने के लिए आपको 10 रुपये का टिकट देना होता है और आपके कैमरे या मोबाइल से फोटोग्राफी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और यदि आप यहाँ आते हैं तो सुबह 8 से 4:30 बजे तक ये दर्शन के लिए खुला होता है आप लोगों के लिए। और यदि यहाँ घूमने आप आते हैं तो नवंबर से लेकर मार्च तक का महीना सबसे अच्छा होता है क्योंकि यहाँ इन दिनों गर्मी नहीं होती है। राजस्थान चूँकि गर्म प्रदेश है इसलिए तो ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं इनसे हमारी आंखें हट नहीं रही है। एक टक हम इनको निहारे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। ऐसे दृश्य देखने का मौका हमें जीवन में बहुत ही कम मिला था। सचमुच सोने की नगरी को मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। ये स्वर्ण मंदिर भारत के अमीर मंदिरों में से एक है। अमीर मंदिरों में से एक इसलिए है कि यहाँ करीब 1008 किलो सोना इस मंदिर के निर्माण में लगा है और आज भी जो जैन तीर्थ यात्री आते हैं यहाँ, वो यहाँ चढ़ावे के रूप में सोना चढ़ाकर जाते हैं अपनी मन्नत पूरी होने पर। तो इसलिए इसे सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी तरह से, तो बने रहें हमारे साथ। और चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पास में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी अन्य ब्लॉग में किसी अन्य दिन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।